हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट में जितनी भी टाइप की रेल्स होती है उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल वाइज जानेंगे, और इसके साथ साथ माइनक्राफ्ट जितनी भी टाइप्स की होती है उनके यूज़ क्या होते हैं इन सब के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं शाउट आउट दे देता हूँ। तो आदित्य पटेल बोलते भाई शाउट आउट प्लीज़, तो ब्रो देखिए मैंने आपको शाउट आउट दे दिया। नेक्स्ट है नोडी गेमर्स, नेक्स्ट है प्रीति शर्मा, फिर आकाश प्रजापति, नेक्स्ट है वर्ल्ड पैक्टिस, यार इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो भाई देखिए आपको भी शाउट आउट दे दिया, और लास्ट है एमडी गेमर। सो गाइस, अभी माइनक्राफ्ट में टोटल 4 टाइप्स की रेल्स है। पहली तो है नॉर्मल वाली, दूसरी है पावर वाली, और तीसरी है डिटेक्टर, और लास्ट है एक्टिवेटर रेल। इसी तरह से 4 टाइप्स की माइनक्राफ्ट है, एक तो टीएनटी वाली है, चेस्ट वाली है, और एक नॉर्मल वाली है, और एक होपर वाली है। ओके, तो आप इन सभी को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए अब इनके यूज़ के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वाली रेल से एंड प्लेस करना सीखते हैं। तो सिंपली प्लेस करने के लिए आपको करना है क्या, टच कर देना है कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप चाहो इन्हें लगाना, एंड अपना भी ऑटोमेटिक देखिए मुड़ भी जाती है जैसा आप इन्हें मोड़ना चाहो। बस ऐसे टच करके आप इन्हें प्लेस कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा ट्रैक बना दिया रेक्टेंगल टाइप का। सो यहाँ पे अब हमने नॉर्मल वाली माइंड कार्ड भी इस पर रख दिया, एंड इस पर राइड करना काफ़ी आसान है। सिंपली इसके पास जाओ, राइड करने का ऑप्शन आ जाएगा, एंड फिर इधर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए स्पीड काफ़ी स्लो है अभी, बिकॉज़ ये नॉर्मल वाली रेल्स हैं एंड ये जगह बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। एंड ऐसे सिंपली इन पर एक बार क्लिक करके आप इन्हें मतलब तोड़ सकते हो, यानी कि अपनी इन्वेंट्री में वापस रख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा ट्रैक्स के बारे में और भी नॉलेज लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने टी पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको हल्का सा ऐसे आगे आके पुश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक देखिए बिल्कुल सीधे वाले पे चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसे यहाँ से पुश करेंगे तो ये ऐसे सामने की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसमें मोड़ है। एंड ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बटन लगा दें, इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ट्रैक ऑटोमेटिक चेंज होता है एंड फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बटन लगाया है। ऐसे ही अगर हम लीवर लगा देते हैं तो उसको हम जैसे एक बार टच करेंगे तो ट्रैक अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एंड वहीं पर ही फिक्स रहेंगे। सो ट्रैक बनाते वक्त आप अपने हिसाब से बटन और लीवर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मल ट्रैक्स लगाए हैं, एंड इस बार ये जो हाइट है ना नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसे में देखिए जो मतलब माइन कार्ट है इसमें अगर मैं राइड करता हूँ तो इसकी जो स्पीड होगी ना देखिए काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि नीचे वक्त आपकी स्पीड बिल्कुल मतलब मैक्सिमम होने के चांस होते हैं, ठीक है। हाँ, वहीं पर ही अगर आप चढ़ाई करोगे तो आपकी स्पीड देखिए कितनी स्लो होगी। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्पीड कितनी स्लो है, एंड ऐसे चढ़ाई चढ़ने में भी कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो गाइस, जहाँ पे रेल एंड होते तो आप उसके एंड में मतलब कोई भी डर्ट ब्लॉक या कुछ भी लगा सकते हो, जिससे कि ये माइनक्राफ्ट आगे की तरफ नहीं जाएगी और वहीं पर ही रुक जाएगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं पावर्ड रेल के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है पावर्ड रेल, यानी कि ये जो रेल का ट्रैक है ये पावर प्रोवाइड करेगा हमारी माइनक्राफ्ट को, जिससे कि उसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, चाहे चढ़ाई हो, चाहे ढलान हो, चाहे कुछ भी हो। सो गाइस, इस रेल को आप अपने हिसाब से मतलब रख सकते हो जगह जगह पे, एंड इसको बनाने की रेसिपी ये है। एंड जब आप इसे प्लेस करते हो तो इसके साइड में आप रेड स्टोन टॉर्च या ब्लॉक ऑफ रेड स्टोन मतलब रख देना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी मिले। एंड ये जो पटरी है ना इसमें आप देख सकते हो लाइट भी जलने लगती है रेड रेड सी, इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब वर्क करेंगी, एक्टिवेट हैं, ठीक है। सो एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो माइनक्राफ्ट में हम लोग बैठ गए हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से मतलब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो इन्हें पावर रेल को आप नॉर्मल रेल के साथ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे आप वहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ करवा सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि पावर रेल और नॉर्मल रेल में कितना बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेल की पटरी है, एंड इस पर मैंने जो माइनक्राफ्ट रखी है जब मैं इसे पुश करता हूँ तो थोड़ी दूर जाती है एंड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, ठीक है। एंड अब हम लोग जगह जगह मतलब पटरी नॉर्मल वाली हटा के वहाँ पर पावर्ड वाली रेल रखेंगे, ठीक है। तो हम इन पावर वाली पटरियों को एक बार जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। सो अब हमने यहाँ पे अपनी माइंड कार्ट रख दी है, एंड अब इसे हम थोड़ा सा पुश करते हैं। तो गाइस, अब आप देखोगे कि ये जो माइंड कार्ट है ना रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी नॉन स्टॉप। तो गाइस, ऐसे आप भी मतलब नॉर्मल रेल और पावर रेल का ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ऐसे चक्कर लगाते रहेगी, रुकने वाली नहीं है। और गाइस, ये जो नॉर्मल वाली माइंड कार्ट होती है अगर इसके आसपास कोई भी मतलब आता है, जैसे कि देखिए ये मतलब पिग आ गया था, ये ऑटोमेटिक मतलब इसमें बोर्ड हो गया, तो
जो भी चाहे काउज हो चाहे ब्लेजर्स हो, आप किसी को भी मतलब इसके अंदर डायरेक्टली मतलब उनको सवार करवा सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीक इसके साथ कैसे घूम रहा है गोल गोल। तो गाइस अब हम सीखते हैं डिटेक्टर रेल का यूज़। तो इसका भी यूज़ काफ़ी सिंपल है एंड ये कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसके आसपास आपको मतलब कोई भी रेड स्टोन की टॉर्च वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस बेसिकली ये जो रेल है ना, इसके ज़रिए मतलब आप किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रेड स्टोन डस्ट लगा दी है एंड ये जो लैंप होता है ना ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे देखिए मैं ये माइन कार्ट रखूँगा एंड इसे पुश करता हूँ। तो जैसे देखिए उसके ऊपर से जाएगी ना तो ऑटोमेटिक इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी एंड ये जो लैंप है ना देखो जल जाएगा, ये देखो। तो बेसिकली इसको मतलब आप ऐसे यूज़ कर सकते हो डिटेक्टर वाली रेल को। तो ये नॉर्मली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके पास भी अगर लगा देता हूँ वो, तो भी देखिए ऑटोमेटिक लैंप है ना हमारा जल जाएगा, ये देखिए। तो गाइस ये काफ़ी यूज़फुल है। बस यहाँ पे आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं एंड आप इसका किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली डिटेक्टर रेल का यही यूज़ है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने पिस्टन रख दिया है तो ये पिस्टन भी देखिए ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जैसे ये कार्ट इसके ऊपर से जाएगी, ये देखिए। तो गाइस जो लास्ट वाली रेल है वो है एक्टिवेटर रेल एंड ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए बेसिकली माइनिंग करते वक्त या किसी चीज़ को आपको उड़ाना तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और इसके अलावा अगर आप एक बहुत बड़ा रेल ट्रैक बनाते हो एंड जगह जगह पे स्टॉप बनाते हो एंड आप चाहते हो कि आप ऑटोमेटिक उतर जाओ तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका यूज़ सीख लेते हैं। तो गाइस जब आप इस एक्टिवेटर रेल को रखते हो तो इसके भी आसपास आपको रेड स्टोन वाली टॉर्च रखनी होगी, ठीक है, ताकि इससे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए और ये वर्क करे। तो देखिए यहाँ पे मैंने माइन कार्ट रखी एंड मैं इसके अंदर बैठता हूँ एंड मैं अपनी तेज़ी से जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक में उतर जाऊँगा, ठीक है, जैसे इसके ऊपर से हम लोग जाएंगे। तो बेसिकली एक यूज़ तो इसका ये हो गया। आप जब भी इसके ऊपर से मतलब अपनी माइन कार्ट से जाओगे तो आप ऑटोमेटिक उतर जाओगे। एंड जो टेंटी वाली माइन कार्ट होती है जब आप उसको ऐसे इसके ऊपर रखोगे एंड इसको हल्का सा अगर आप ऐसे मतलब इसके पीछे जाके इसे पुश करोगे तो देखिए ये ऑटोमेटिक अपना आगे जाएगा और जो टेंटी है ना वो ऑटोमेटिक एक्सप्लोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक यहीं पे ब्लास्ट हो गया। तो बेसिकली एक्टिवेटर रेल का यही यूज़ है। और जो टेंटी माइन कार्ट होती है वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए एक और बार हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक जा रही है एंड थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही एक्टिवेटर रेल की ही बदौलत हो पाता है, ठीक है। सो बात करते हैं माइनकार्ट चेस्ट की। तो बेसिकली आप इसके अंदर जो भी आपका माइनिंग का सामान है, जो भी आपका मनपसंद सामान है वो आप इसके अंदर रख सकते हो एंड डायरेक्ट आप इसको मतलब डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर भी आपको भेजना है, जहाँ तक भी आपने ये पटरी बनाई होगी। तो बेसिकली इसका यूज़ यही है। तो कैसे आप बात करते हो हॉपर वाली माइनकार्ट का, तो बेसिकली आप भी इसके अंदर सामान रख सकते हो या डायरेक्ट मतलब आप अपना सामान ड्रॉप करोगे ना इसके ऊपर तो वो ऑटोमेटिक इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने देखिए कुछ ये सामान ऐसे ड्रॉप कर रखे हैं एंड जैसे मैं अपनी इस माइनकार्ट को पुश करता हूँ हॉपर वाली, तो जैसे ही उनके पास जाएगा ना ऑटोमेटिक वो सारे के सारे सामान इसके अंदर आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो जब आप माइनिंग करते हो एंड आपकी इन्वेंट्री फुल होती है एंड आपने माइनिंग की पटरी बिछा रखी है तो आप उस पर अगर ये अपना हॉपर वाले को ऐसे भेजोगे तो ऑटोमेटिक जो भी स्टोन वगैरह होते हैं सबको पिक कर लेगा, ठीक है, जो भी ड्रॉप होंगे इसके आसपास। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था एंड बेसिकली जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इससे आपका बेसिक तो क्लियर हो गया। अब बस आप अपना माइंड लगाओ एंड क्रिएटिविटी करो यूनिक चीज़ों की। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं रेल और माइंड कार्ड की ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम लेकर आने वाला हूँ जिसको आप देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, जिससे आपकी माइनिंग और भी ईजी हो जाएगी। तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।